हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नताशा शैन। वेलकम। सो गाइस, काफ़ी टाइम से सिर्फ व्लॉगिंग 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 चल रही है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ना थोड़ा टाइम लेती हूँ और अपने आप को टाइम देती हूँ, स्पेशली थोड़ा रील्स बनाने के लिए। सो गाइस, मैं करने जा रही हूँ रील्स के लिए मेकअप, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दूँ और आप लोगों से बात भी करती रहूँ धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैंने अपना फेस धुला एंड मैंने टोनर लगाया है फेस पे, सैटन का, जीएचसी का। और ना ये जो सैटन का जीएचसी का जो ये टोनर है, एक्चुअली ये मुझे ना प्रमोशन के लिए आया था, लेकिन मैं ये अभी इसका प्रमोशन जो कर रही हूँ वो मैं अपनी मन की इच्छा से कर रही हूँ, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ एंड काफ़ी अच्छा है ये। मैंने इसको दोबारा मंगवाया था जीएचसी से। इसमें बहुत ही अच्छी कोकोनट की खुशबू आती है एंड जैसे कि मेरी बहुत ही ज़्यादा लार्ज पोर्स वाली जो है स्किन है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी हाइड्रेटिंग है ये काफ़ी। उसके बाद मैं लगाऊंगी अपना मॉइस्चराइजर। क्या हो गया नताशा, अच्छे से बोलो। ओके, तो मॉइस्चराइजर के लिए आई एम यूजिंग दिस सेलिज़ा फेस जेल। और ना ये भी बहुत अच्छा है, मतलब मैं तो आजकल इसका, मैं ना जब भी जाती हूँ ना तो मैं पहले से ही बहुत सारा वो लेके आ जाती हूँ अपने पास, कोटा। सो गाइज, अभी हो रही है इवनिंग, बट फिर भी कॉज मैंने काफ़ी देर तक, मैंने ये रेस के बीच में काम करना है, तो मैं नहीं बिल्कुल अपनी स्किप करूँगी फेस की सनस्क्रीन। सो सनस्क्रीन भी लगा लेते हैं हम, ये थोड़ा ठीक है। यहाँ पे भी मैं अपना फेस देख पा रही हूँ, वहाँ पे भी देख पा रही हूँ, दैट्स कूल नताशा। सब लोग रील्स के लिए मेकअप कर रहे हैं तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे सिर्फ अपनी आईज एंड लिप्स पर, इस स्किन पे इतनी ज़्यादा सजान ढकाने की ज़रूरत नहीं है अपने फेस के, जो क्या कहते हैं अपने फेस के जो मार्क्स एंड ऑल है, इतनी सारी चीज़ें ढकाने की ज़रूरत नहीं है। सो हम लोग आज एक हैवी फाउंडेशन तो बिल्कुल नहीं लगाने जा रहे हैं, बहुत ही पतला कम फाउंडेशन हम लोग लगाएंगे एंड हम लोग बहुत ही क्या कहते हैं अनप्रोफेशनल है, तो हम लोग बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से मेकअप करेंगे। यहीं पर ऐसे बैठ के गंदी तरीके से मेकअप करेंगे। सो गाइज, मैं आज जो मेकअप करने जा रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं हूँ कि मेरा बेस बहुत अच्छा रहे, तो मैं आज एक सस्ता फाउंडेशन यूज़ करने जा रही हूँ, फिट मी का। बस थोड़ा सा इसको लेंगे, बहुत ही कम, लाइक दिस, दिख रहा है। क्या करेंगे, थोड़ा सा लेके इसी को स्प्रेड करेंगे, क्योंकि आज हमारा कंसर्न नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा ही ऐसे ढकाने वाला मेकअप चाहिए, हम नॉर्मल सा रील्स के लिए मेकअप कर रहे हैं बस। ये बच्चा बच्चा थोड़ा गले पे भी लगा ही देते हैं। ये है मेरा ग्लास और इसी पे मैं अपना ब्लेंडर भिगोने वाली हूँ। नताशा, दिस इज़ वेरी बैड, यू आर एन इन्फ्लुएंसर हूँ मैं, कोई लोग इन्फ्लुएंस होते हैं मुझसे, होते होंगे तो गाइज ऐसी हरकतें ज़रूर कर ले घर पे। ये अपना मेकअप, बहुत ही हल्के हाथों से आपको डैप करना है। वैसे फिटमी का ना, मतलब एक जो होता है ना सस्ता फाउंडेशन, फिटमी एक सस्ता और अच्छे फाउंडेशन को काफी अच्छा वो देता है, मतलब सस्ते में अगर आप फाउंडेशन चाह रहे हैं कोई, तो फिटमी काफी अच्छा है, बट फिटमी के भी ना बहुत कॉपीज आते हैं, तो आप मेक श्योर कि आप जो ले रहे हो वो नायका से परचेस कर रहे हो या एक अच्छे मेबेलिन के स्टोर से परचेस कर रहे हो। ओके गाइज, सो आई थिंक दैट्स इनफ, हम लोगों को ज़्यादा बेस नहीं चाहिए, बाकी हमारा जो पूरा पेल हो गया ना फेस, मैच सा नहीं हो रहा है, वो कॉन्टोरिंग के बाद हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज व्हाट आई वांट, तो हम ना इसको इस तरीके से ब्लेंड करेंगे। पूरा ऐसे नीचे तक, बिकॉज वी वॉन्ट कैसा, yeah.
आपने देखा अचानक से मेरे जो गाल है वैसे लिफ्टेड लग रहे हैं, बट ये अभी अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है, तो आपको अभी और अच्छे से इसको ब्लेंड करना है लाइक दिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरहेड, नोज हम बाद में कॉन्टोर करेंगे, ठीक है? भी माथा करते हैं अपना जरा हल्का हल्का सा ना। थोड़ा नोज में करेंगे एंड क्योंकि मेरा कॉन्टोर वाला ब्रश ना मुझे क्रिस्टी के पास छूट गया। क्रिस्टी अगर मेरी वीडियो देख रही है तो वापस कर देना ब्रो, मुझे वापस कर देना यार अब। हाँ क्योंकि ऐसे इससे कॉन्टोर करने में बहुत दिक्कत है ब्रो। थोड़ा मेरी नोज शार्प लग रही होगी आपको, तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ पहले इससे ऐसे ऐसे करेंगे, फिर हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे लाइक दिस। एंड गाइस जो हम लोग रील्स बनाते हैं हम उसमें ऑलरेडी इतना क्या कहते हैं वो यूज़ करते हैं फिल्टर्स एंड ऑल, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आज अपना फेस कंसील भी करूँ। मतलब आई वांट ओनली मिनिमम बेस, आंखों पे कर सकते हैं हम मेकअप, क्यों आंखों पे तो दिखता है ना क्या, तो या आंखों पे करेंगे हम आज मेकअप बस। ओह आई गॉट इट, ये चाहिए था मुझे पुंद्रू ब्रश। सो गाइज इससे बनाएंगे हम अपने आईब्रोज, बहुत अच्छी आईब्रोज है हमारी, इसको सिर्फ हमने शेप देनी है डार्क शेप, ताकि लगे कि हमारी आंखों में बहुत बाल है, ठीक है? तो गाइज इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी वॉन्ट आई मेकअप। आई मेकअप के लिए ना मैं चाह रही हूँ शायद मेरे को ये ना थोड़ा पास लगाना पड़े क्योंकि बहुत ज्यादा दूर हो रहा है। चलो ऐसे करते हैं, आज दूरी से ही काम चला लेते हैं। सो गाइज आज जो मैं मेकअप लुक करने जा रही हूँ ना वो अभी तक मैंने खुद भी नहीं सोचा है, मुझे नहीं पता मैं क्या करने जा रही हूँ, बट मैंने आज सोचा है कि मैं थोड़ा ऐसे पिंकिश एंड ऑरेंजी और मतलब पॉप पॉप कलर्स होते हैं ना वो करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो क्योंकि हमने कुछ नहीं लगाया है अपनी आंखों पे एज अ बेस, मतलब जैसे कंसीलर लगाते हैं हमने कुछ नहीं लगाया है, हम लगाएंगे भी नहीं गाइस। सो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ थोड़ा हल्का सा ना ये वाइट कलर लेंगे एंड अपनी आंखों को जस्ट पाउडर बेस देंगे, पाउडर बेस कहते हैं ना ये वाइटिश, ये वाइटिश सा ये बस मैं हल्का सा लगा रही हूँ अपनी आंखों पर फॉर अ बेस, दैट्स इट। और मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। इसके बाद ना मैं एक नया वो मतलब नया भी नहीं है, काफ़ी ओल्ड हो चुका है वैसे तो, बट एक हैक है ना वो हैक करने जा रही हूँ कि उस मेरे को ना लाइनर ड्रॉ नहीं आते करने, पता नहीं मतलब बचपन में मैं लाइनर ड्रॉ कर लेती थी लेकिन अब मुझसे ना बिल्कुल लाइनर ड्रॉ नहीं होते ब्रो। तो मैंने क्या करना है ना कि टेप लगाना है आँखों पे, काश मैं कुछ लोगों के मुंह पे भी टेप लगा सकती। ओके तो हम इसको ना इस तरीके से लगा देंगे लाइक वी वांट थोड़ा विंग। ओके मुझे कॉल आ गई। सो गाइज हम लोगों ने अपना ये वाला पैलेट पकड़ लिया है जिसमें बहुत ही सारे पॉप अप कलर्स हैं, तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से वाले कलर को यूज करके अपने आंखों को पागल जैसा बनाना है। तो चलो गाइज मैं चाह रही हूँ आज थोड़ा क्या कहते हैं थोड़ा पिंकिश हो, तो पिगमेंट देखो आप दिख रहा है पिगमेंट। तो सबसे पहले हम लोग आउटर कॉर्नर से आएंगे लाइक दिस, इस मैंने डायरेक्टली ये ब्लेंडिंग ब्रश होता है जो थोड़ा फ्लफी टाइप का होता है ना वो सिर्फ ब्लेंडिंग ब्रश ही होता है, तो मैं सीधे उसी से ही करती हूँ। अब मेरे पे ना इतने ब्रश धुलने का ना टाइम नहीं है कि मैं पहले एक ब्रश निकालूँ फिर दूसरा ब्रश निकालूँ, समझ रहे हो? तो ये हम लोगों ने किया बाहर पॉपअप कलर, दोनों आईज पे कर लेते हैं गाइज, हम पे इतना टाइम नहीं है ना, साथ साथ हम लोग दोनों आँखों पर ही कर लेते हैं। इसके बाद हम इस ब्रश को थोड़ा सा हल्का से ऐसे से शार्प
शार्प मेरे साग को क्या हो गया दोस्तों, मेरा साग सही से नहीं निकल रहा है। ओके, अब हम लोगों ने लिया था ये वाला कलर, अब हम ना थोड़ा डार्क लेंगे, ये तीसरे नंबर पे जो कलर दिख रहा है ना, ये वाला कलर लेंगे हम, और हम उसको और अंदर की तरफ और ब्लेंड करेंगे, लाइक मिडिल इन मिडिल मिडिल। लाइट यही ब्राउन सा शेड करेंगे और उसको अपने इनर कॉर्नर से ब्लेंड करेंगे, ठीक है? ओके लाइक दिस। ये इस टाइप का डिपॉजिट ब्रश देख रहे हो, फ्लैट एंड डिपॉजिट वाला ब्रश, इसको हम पहले क्लीन कर देते हैं। इस पे लेंगे हम डार्कर शेड्स लाइक ब्राउन या रेड टाइप का, तो मैं ये वाला ले रही हूँ, ये ब्राउनी शेड है वैसे तो, दिखा देती हूँ आपको दिस वन, ठीक है? लेके आई हूँ इस घटाड़े से को। ओके ये दे रहा है, क्या लाइनर ड्रॉ होता है यार इस ट्रिक से, बाय गॉड। मैं ना मेरी फेवरेट हैक है ये, फेवरेट हैक, इतना पर्टिकुलर लाइनर ड्रॉ होता है ना ब्रो, मैं बता नहीं सकती हूँ। गाइज हम खूब इसको डार्क करेंगे, लाइक हम ब्राउन ब्लैक दोनों ही मिक्स कर करके लगा रही हूँ मैं, मुझे लग रहा है अंकी आ गया है, उससे मैंने मोमोज मंगाए थे अपने खाने के लिए। अंकित की वहाँ ड्यूटी खत्म होती है तो इधर चालू हो जाती है। हाँ जी, फ्रिज पे, मेरी आंखें क्यों चमक रही है? क्योंकि मैं मेकअप कर रही थी, क्यों? मैंने सोचा रील्स बनाई जाए जरा, है ना? अभी ठीक है? ओके, आई थिंक मेरा इतना लाइनर ना लग ही चुका है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, सो मैं इसको टेप को हटा दूंगी एंड आप लोग देखो मेरा जादू। देखो मैं बटर स्कॉच लेके आया हूँ। हाँ मुझे वही पसंद है। ओ लाला, दैट विंग बहुत सही है भाई, ये हैक। ओके सो हमारे लाइनर वाला जो ड्रॉ हो चुका है, लाइनर वाला पोर्शन, अब हम ना थोड़ा ये जो टेप के निशान से रह गए ना, इसको थोड़ा सही करेंगे ब्लेंडर से, और थोड़ा आई शेडो भी गिर गया ना उधर, क्योंकि हमने टैप टैप नहीं किया था, एक्सेस नहीं हटाया था। का ब्रश लेंगे इस तरीके का, और इससे हम लोग यही डार्कर डार्कर ब्राउन से ना हम लोग ऐसे लाइनर ड्रॉ करेंगे, एक्सेस निकाल देंगे, बहुत ही लाइट। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ना शायद कंसीलर की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि मैंने ना वो जो ब्लैक लगाया वो इतना हो गया, मेरा पूरा डार्क हो गया नीचे। मैं भी आ रहा हूँ उस पर। तो हम हल्का सा बहुत लाइट कंसीलर ना यहाँ लगा ही देते हैं। तुम ले जाओगे कभी जिंदगी में मुझे कहीं? गाइज दिस इज अ मोमो ब्रेक। अच्छा सो फॉर लिपस्टिक्स आई एम गोना यूज टुडे, फॉर द ब्लश आई एम गोना यूज अ लिपस्टिक टूडे। सो ये मैंने ली है एक लड़की से मारी हुई, तो इसकी हम एक हल्का सा स्वॉच लेंगे अपने गाल पे, और एक स्वॉच लेंगे इधर, खुशबू आ रही है, एंड इसको ब्लेंड कर देंगे। एंड सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने लिप्स को ओवर लाइन, लगाएंगे एक ब्राउनिश लिपस्टिक सबसे पहले। ब्राउनिश कलर का जो लिपस्टिक है ना, वो भी आप सिर्फ लाइंस पे लगाएंगे। इसके बाद हम लोग लगाएंगे न्यूड क्रीमी शेड लिपस्टिक, लगाकर मिलते हैं आपसे। लेंगे एंड इसको ना अपने इनर कॉर्नर पर प्लेस करेंगे लाइक दिस। लेंगे एक पिंक कलर का काजल एंड वी गोना ड्रॉ दिस ऑन अ वाटर लाइन।
हमने लिया है ये दोनों ऊपर के और हम इसको नाक पे लगाएंगे थोड़ा सा बीच पे ऐसे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, मैं ना कभी लगाती नहीं वैसे ग्लिटर ना ज़्यादा, मुझे पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं है। आप लोग क्लोज लुक देखना चाहेंगे मेरे मेकअप का? लैशेस लगाने के बाद, वेट, लगाने का मन तो नहीं है मेरा, पर पता नहीं मन सा हो रहा है आज। मस्ट ड्राई इट फर्स्ट। मेरा मेकअप ना ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लेकिन मैं आपको क्लोज लुक पता है किसके बाद दिखाऊंगी? तैयार होने के बाद। सो मिलते हैं तैयार होने के बाद। ट्रांजिशन। हे गाइस, सो मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज लुक। सो ये है मेरा क्लोज लुक आज का, और मैंने ये टीका लगाया है क्योंकि आज मैं बनी हूँ कुमाऊनी ब्राइड। कुमाऊं में ऐसे बनाते हैं, और मेरे पास थोड़ा ये था तो मैंने ये स्टफिंग करके थोड़ा सा ज्वेलरी बनाई है। गुलाबंद पहना है क्योंकि हमारे हमारे गढ़वाल में कुमाऊं में गुलाबंद की बहुत मान्यता होती है, हम लोग इसलिए पहनते हैं। ये झुमके पहने हैं, बाल बनाए हैं चंपू वाले, और मेरी नथ पहनूंगी नथ, ये प्रॉपर कुमाऊनी नथ है जो हमारे कुमाऊं में पहनी जाती है, टिहरी वाली अलग है, तो इसको मैं पहनूंगी। उससे पहले मैं चाय पीऊँगी क्योंकि अंकित ने मेरे लिए चाय बनाई है। तो आप मेरे साथ वीडियो बनाना चाहेंगे? मेरे फॉलोवर्स बढ़ाना चाहेंगे आप? बनानी पड़ेगी, और क्या कर सकते हैं आप। सो गाइस, कैसे लगा आप लोगों को आज का लुक, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग पहली बार आए हैं यहाँ पर तो दोबारा आइएगा, और मेरे चैनल को प्यार दो, अच्छी जल्दी जल्दी से ग्रोथ करो। मतलब मुझे पता है कि धीरे धीरे ग्रोथ होती है, पर प्लीज़ जल्दी जल्दी कर दो यार, मुझसे ना मतलब मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। तो गाइस, मिलते हैं आपको रील्स के साथ, तब तक बाय। और हाँ गाइज, पता है जब मैं टिकटॉक पर थी ना, तो मैं ना ऐसे अलग अलग लुक्स करके वीडियोस बनाया करती थी, अलग अलग लुक्स अपने तरीके से। तो मेरा एक ये लुक है, मैं इन पर भी रील्स बनाऊंगी। आप लोग भी ना ऐसे सेम लुक करके वीडियोस बना के मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन कर सकते हैं। जिन्होंने मेरा इंस्टाग्राम अभी तक नहीं देखा है, लाइक कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। सो लाइक, शेयर, कॉमेंट, पता नहीं ये ना खुद ही आ जाता है पता है मुंह पे, अब तो जब यूट्यूब वीडियोस बना रहे होते हैं। तो या गाइज, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, ठीक है? ओहो, नथ पहन लेना। बाय 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 बाय।